हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है नेशनल पार्क्स की सेकंड सीरीज़ का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 46 से क्या नेशनल पार्क है, 15 करेंगे नेक्स्ट वाले, ठीक है। तो ऑर्चिड सेंचुरी जो है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। तो ऑर्चिड के जो है वो फ्लावर्स होते हैं ना, तो आपको ये लर्न करना है कि वो सिक्किम में ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे करके कुछ भी आप बनाइए और इसे लर्न कीजिए। उसके बाद बलघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। उसके बाद बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद टिकरपड़ा नेशनल पार्क ओडिशा में, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट से हैं लेकिन आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है सभी। उसके बाद माधव जो है जिसका दूसरा नाम जो है वो शिवपुरी नेशनल पार्क भी है। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, माधव अगर आ जाए तो भी पता हो कि मध्य प्रदेश में, या फिर शिवपुरी भी आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पांच हो गए, देख लेते हैं। ऑर्चिड सेंचुरी सिक्किम में, बेलगर सेंचुरी जो है वो ओडिशा में, उसके बाद बरनावाड़ा पारा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में, टिकरपड़ा नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में, और माधव या फिर शिवपुरी नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद 51 to 55 देखते हैं पांच नेक्स्ट अगले। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पंपादम नेशनल पार्क केरला में, मुकुट्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये पांच के पास दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, पंपादम नेशनल पार्क केरला में, मुकुट्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये सभी आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, ऐसे पाँच पाँच करके इन्हें लर्न कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइव की बात कर लेते हैं, ठीक है, 60 तक। उसके बाद आपके पास आता है 56 में कसुब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको ये ऐसे कुछ याद कर लेना है कि ब्रह्मानंदा जो है वो तेलंगाना के थे, रेड्डी तेलंगाना के होते हैं, ऐसे कुछ भी करके याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पंगोलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको सिक्किम में मिलेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना, ऑर्चिड जो है सेंचुरी वो भी सिक्किम में है, तो रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, उसके बाद शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन्हें भी पाँचों को आप रिवाइज कीजिए, जैसे कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में, पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में, ठीक है, ऑर्चिड वाली भी इसके साथ याद रखिएगा, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में, शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कर्नाटका में, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में, ठीक है। और इन्हें बार बार रिवाइज़ कीजिए और आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।